शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिए जाने की मांग तेज हो गई है। अपनी इस सूत्रीय मांग को लेकर शिवसेना की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे करने जा रही है। अपने दूसरे कार्यकाल के चुनावी वर्ष में सरकार ने अनेक राजनीतिक विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसी महान हस्तियां शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्य ये है कि हिंदुत्व के पुरोधा और हिंदू समाज के गौरव और जीवन भर हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे को भारत रत्न देने के विषय में विचार तक नहीं किया गया। मांग उठाई गई कि बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न से सुशोभित करने की प्रक्रिया को शीघ्र अंजाम दिया जाएगा। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए शिवसेना के जिला वरिष्ठ उप प्रमुख विनोद कुमार सिरोही ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सिरोही। क्या उप जिला प्रमुख? हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन किया? क्या मांग है आपकी? भारत सरकार द्वारा पीवी डॉक्टर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कपूर ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। लिहाजा हमारी भी मांग है भारत सरकार से कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को भी भारत रत्न दिलाने की मांग करते हैं। आशा है भारत सरकार इस पर हमारी मांग पर ध्यान देगी। इस दौरान ठाकुरदास सैनी, कपिल देव, मोहम्मद असलम, तिलक सैनी, कासिम मंसूरी, अदनान मंसूरी, अनिल सागर, मोहम्मद आरिफ और बाबू सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।